रुद्रप्रयाग के नेहरू युवा केंद्र में नमामि गंगे परियोजना कार्यक्रम के तहत दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ, जिसमें ग्रामीण अंचलों से 50 से अधिक युवक युवतियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान जिला युवक अधिकारी राहुल डबराल ने कहा कि परीक्षण के दौरान युवाओं को कई चीजों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के सत्र में जिला युवा अधिकारी द्वारा सभी प्रतिभागियों को अपना साक्षात्कार देने को भी कहा गया। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। हम लोग यहाँ पे प्रतिभा करने आए थे नमामि गंगे से, और हमने स्वच्छता के बारे में सीखा और हमने बहुत सारे इसके बारे में जाना जिनके बारे में हमें पता भी नहीं था, हमने उसके बारे में भी जाना। और हमें दो दिवसीय हमारा गंगा दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम था, उसमें 50 युवा अलग अलग जो गंगा ग्राम है वहाँ से इन्होंने प्रतिभाग किया। पहले दिन सभी प्रतिभागियों ने अपना इंट्रोडक्शन, ताकि हम उनका आत्मविश्वास बढ़ा सके। स्वच्छता अभियान बहुत जरूरी है, और इंसान के जीवन में अगर स्वच्छता अभियान स्वच्छता है तो इंसान कई लंबे जीवन तक जी सकता है। और जैसे कि 24 जुलाई गंगा दूत का जो प्रथम चरण है गंगा दूत प्रशिक्षण का, दो दिवसीय, वो हमने आज यहाँ पे समाप्त किया। इसमें हमने सभी गंगा दूतों को जो हमारे गंगा ग्रामों से आते हैं उनको गंगा साफ कैसे रखनी है, गंगा के प्रति जागरूक किया उनको।